नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका की जलवायु तथा उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम उत्तरी अमेरिका की भूगर्भिक विशेषताएं तथा उसके भौतिक प्रदेश और वहां की अपवाह प्रणाली का अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारा चौथा टॉपिक है इस यूनिट में, उत्तरी अमेरिका के की जलवायु तथा उसकी विशेषताएँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किन किन तथ्यों का प्रभाव उत्तरी अमेरिका की जलवायु पर पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, चूँकि उत्तरी अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है, अतः यहाँ जो भौगोलिक विविधताएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यहाँ की विशालता को देखते हुए उत्तरी अमेरिका का अधिकांश जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह आप जानते हैं दोस्तों कि जो कर्क रेखा है वो मेक्सिको की खाड़ी से होकर के गुजरती है, अतः इसका जो अधिकांश भाग है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ की विशालता, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार तथा ये सभी दशाएं यहाँ की जलवायु की दशाओं में भारी विविधता उत्पन्न कर देती है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल संबंधी जो विशेषताएँ हैं, जो दशाएँ हैं, वो स्पष्टतया अनुभव की जाती हैं। अतः जलवायविक तत्वों जैसे तापमान, वायुदाब, वर्षा आदि में भी पर्याप्त विविधता पाई जाती है। यानी ग्रीष्मकाल और शीतकाल यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनकी विशेषताओं को यहाँ स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। अतः तापमान, वायुदाब और वर्षा में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, महसूस किए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान, वायुदाब, वर्षा संबंधी विशेषताएँ भिन्न होती हैं तथा शीतकाल में तापमान, वायुदाब और वर्षा संबंधी विविधताएँ भिन्न प्रकार की होती हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ मुख्य जो कारक हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कारक है दोस्तों वो है महाद्वीपीय स्थिति, दूसरा इसकी विशालता, तीसरा समुद्री धाराएं, चौथा पवने, पांचवा उच्चावच और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। ये सभी कारक उत्तरी अमेरिका की जलवायु दशाओं को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। सबसे पहले है महाद्वीपीय स्थिति। क्योंकि उत्तरी अमेरिका एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग है, तो यहाँ पर जो आंतरिक भाग है उनमें एक महाद्वीपीय दशा पैदा हो जाती है। आंतरिक जो भाग है उनमें तटीय जलवायु दशाओं का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, तो आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु, यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएँ देखने को मिलती है। दूसरा है यहाँ की विशालता, काफ़ी विशाल महाद्वीप है, तो काफ़ी विशाल महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर भौगोलिक तथा भौतिक और अन्य संबंधी जो दशाएं हैं उनमें भी विविधता देखने को मिलती है, तो ये सभी विविधताएं भी यहाँ की जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। तीसरा है समुद्री धाराएं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की समुद्री धाराएं चलती हैं जिनमें गर्म और ठंडी धाराएं दोनों हैं, जैसे गल्फ खाड़ी, गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से होकर गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित होती है। उत्तरी भाग से लेब्राडोर की ठंडी धारा प्रवाहित होती है, ये देख रहे हैं आप, ये तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है और ये लेब्राडोर की ठंडी धारा है, तो ये दो गर्म और ठंडी धाराएं इसके जो पूर्वी तट है वहाँ पर प्रभाव डालती है। इसी प्रकार से इसके पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कैलिफोर्निया के तटीय भागों से होकर के प्रवाहित होती है, अलास्का के तटीय भागों में अलास्का की ठंडी धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से ये जो धाराएँ हैं ये संयुक्त राज्य में उत्तरी अमेरिका की जलवायु दशाओं पर प्रभाव डालते हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण जो न्यूयॉर्क है वो शीतकाल में जम जाता है। ये देखिए, न्यूयॉर्क की ठंडी धारा का जो प्रभाव होता है वो तटीय भाग पर ये होता है कि यहाँ जो तटीय बंदरगाह हैं वो जम जाते हैं, जबकि इसी ऋतु में जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है वह इसके पूर्वी तट के जो दक्षिण पूर्वी तटीय जो भाग हैं उन्हें गर्म रखती है लेब्राडोर की धारा। इसी प्रकार से हम पश्चिम की ओर आते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के प्रभाव के कारण यहाँ का जो शुष्क क्षेत्र है जैसे कोलोराडो तथा ग्रेट बेसिन का जो क्षेत्र है जिसमें एरिजोना का मरुस्थल है, कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है, ये क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसी प्रकार से जो अलास्का की ठंडी धारा है यह भी इसके पश्चिमी तट के क्षेत्रों के तापमान को कम रखती है, तापमान को गिरा देती है। इसी प्रकार से पवने भी काफ़ी अधिक प्रभाव डालती हैं। जो इसका दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, यह संपूर्ण जो क्षेत्र है ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है। ये वाला क्षेत्र दोस्तों यह
उत्तरी पूर्वी अपारंपरिक पवनों के प्रभाव में रहता है और इन्हीं पवनों के प्रभाव से वर्षा भी प्राप्त करता है। जबकि हम पश्चिम की ओर जाएं तो पश्चिम की ओर जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, कैलिफोर्निया वाला संपूर्ण क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है और पछुआ पवनों के प्रभाव में होने के कारण ही यहाँ पर जो वर्षा है वह शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इसी कारण से कैलिफोर्निया के तटीय भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इसके पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर क्रमशः उत्तरी पूर्वी अपारंपरिक पवनों तथा पश्चिम की ओर पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, जिससे उन दोनों तटों की जलवायु भिन्न भिन्न हो जाती है। इसके बाद जो इसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति है वो भी इसकी जलवायु पर प्रभाव डालती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा संयुक्त गल्फ की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि मेक्सिको की खाड़ी के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, तो संयुक्त उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग है वह इसके उत्तर में स्थित है। तो उत्तर में स्थित होने के कारण इसका जो अधिकांश भाग है वह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। तो इस प्रकार से अक्षांश स्थिति का जो प्रभाव है वो भी उत्तरी अमेरिका की जलवायु पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये कई कारण हैं जिनके कारण संयुक्त राज्य उत्तर अमेरिका की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। एक बार हम उन्हें पुनर्निर्वाचित कर लेते हैं। यहाँ की जो महाद्वीपीयता है, महाद्वीपीयता से तात्पर्य है इसके जो विशाल आंतरिक भूभाग है, आंतरिक मैदानी भाग है, वह महाद्वीपीयता की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर तटीय क्षेत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इसकी विशालता है, काफ़ी अधिक विशाल महाद्वीप है, तो विशाल महाद्वीप होने के कारण भी यहाँ अनेक विविधताएँ विद्यमान है जिनका प्रभाव यहाँ की जलवायु पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से समुद्री धाराएं तथा पवने भी यहाँ की जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। उच्चावच भी काफी अधिक प्रभाव डालते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रॉकी माउंटेन, ये जो रॉकी माउंटेन की श्रृंखला है, रॉकी तटीय पर्वत श्रृंखला, कास्केड, सियरा नेवादा, ये सभी यहाँ की जलवायु पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इन पर्वत श्रेणियों के कारण इनके पूर्वी इनकी जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन जो पूर्वी ढालों पर ये हवाएं उतरती तो शुष्क हो जाती है, इसलिए इन सबके पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर ग्रेट ब्रिसिन, कोलोराडो के पठार, एरिजोना का मरुस्थल जैसे शुष्क क्षेत्र इस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उच्चावच भी यहाँ की जलवायु को काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित करता है और कर्क रेखा चूंकि मैक्सिको की खाड़ी के मध्य भाग से गुजरती है इसलिए इसका जो उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग है ये अधिकांश भाग शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में महाद्वीपीय स्थिति, विशालता, समुद्री धाराएं, पवने, उच्चावच और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आते हैं। अब हम यहाँ की तापमान संबंधी विशेषताओं को देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियाँ और महाद्वीपीय दशाओं के कारण यहाँ के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन तापमान की दशाओं में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जैसे अभी आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर जो जलवायविक दशाएं हैं उन जलवायविक दशाओं में जो तापमान तथा वायुदाब और वर्षा संबंधी दशाएं हैं उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन होता रहने के कारण ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की जलवायु दशाओं का जो है वो अनुभव किया जाता है। शीतकाल में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं क्योंकि अधिकांश जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, तापमान अल्प मात्रा में प्राप्त होता है तथा महाद्वीप के जो उत्तरी भाग है जिनमें कनाडा तथा अलास्का के क्षेत्र आते हैं वहाँ पर जो तापमान है वो हिमांक से नीचे चला जाता है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के 3/4 भाग पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग यानी कनाडा तथा संयुक्त राज्य कनाडा तथा अलास्का के जो क्षेत्र हैं, कनाडा और अलास्का के जो भाग हैं वो यहाँ पर वहाँ का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें काफ़ी अधिक तिरछी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें काफ़ी अधिक तिरछी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लगभग 3/4 भाग है, 3/4 भाग में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ के शीतकालीन तापमान रहते हैं। लेकिन इन शीतकालीन तापमानों पर भी कई दशाओं का प्रभाव पड़ता है, काफ़ी कई दशाएं ऐसी हैं, कई कारक ऐसे हैं जो इन शीतकालीन तापमान पर भी प्रभाव डालते हैं। वो कौन कौन से हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर लेब्राडोर की ठंडी धारा के प्रभाव के कारण, अभी आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में
कि लेपेडोर की ठंडी धारा है उसके प्रभाव के कारण महाद्वीप का जो अधिकांश पूर्वी भाग है वो ठंडा रहता है, और इसी कारण से न्यूयॉर्क जो कि 40 डिग्री अक्षांशों पर है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होते हुए भी न्यूयॉर्क शीतकाल में जम जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लेपेडोर की ठंडी धारा का कितना अधिक प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। 40 डिग्री अक्षांश पर स्थित न्यूयॉर्क शीतकाल में जम जाता है लेपेडोर की ठंडी धारा के प्रभाव के कारण। इसी जो यहाँ पर तथ्य स्पष्ट होता है कि जो धाराएं हैं वह संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका की जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण खाड़ी क्षेत्र और महान झीलों के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण महाद्वीप ठंडी हवाओं के प्रभाव में रहता है। केवल महान झीलों के आसपास के क्षेत्र को छोड़ दीजिए और गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव वाले क्षेत्र को छोड़ दीजिए तो संपूर्ण जो महाद्वीप है ठंडी हवाओं के प्रभाव में रहता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर एक गर्म पवन चलती से चिनूक के नाम से जाना जाता है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरती है, जब ये पश्चिमी ढालों से चढ़ती तो वर्षा करती है और पूर्वी ढालों पर उतरती तो शुष्क हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसलिए वो वहाँ की बर्फ को भी पिघला देती है जिससे कुछ राहत मिलती है ठंड से। तो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है शीतकाल के जो तापमान है उन पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लेपेडोर की ठंडी धारा है, लेपेडोर की ठंडी धारा के कारण इस महाद्वीप का जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ये ग्रीष्मकाल में जम जाता है, संपूर्ण क्षेत्र ग्रीष्मकाल में जम जाता है। इसी कारण से न्यूयॉर्क 40 डिग्री अक्षांशों पर होते हुए भी जम जाता है, जबकि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर लेपेडोर की गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा का प्रभाव रहता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा का प्रभाव रहता है, तो यहाँ पर इतना अधिक तापमान कम नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जो महान झील के आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी तापमान कुछ अधिक रहते हैं। इसके अलावा संपूर्ण जो मध्यवर्ती मैदान है उस संपूर्ण भाग में जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 10 डिग्री सेल्सियस से कम बने रहते हैं। रॉकी पर्वत के जो पूर्वी ढाल हैं, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल, इन पूर्वी ढालों पर चिनूक पवन उतरती है। ये पवन पूर्वी पश्चिमी भागों से चढ़ती है तो वर्षा करती है और पूर्वी भागों पर उतरते समय ये शुष्क हो जाती है जिससे ये गर्म रहती है और यहाँ की बर्फ को पिघला देती है, फलस्वरूप शीतकाल से कुछ राहत यहाँ पर प्राप्त होती है। और जो आप देख रहे हैं उत्तरी जो क्षेत्र है अलास्का का उत्तरी भाग, कनाडा का उत्तरी भाग, यहाँ पर जो तापमान है यह हिमांक से नीचे रहता है या शीतकाल में जमे रहते हैं। अब हम आते हैं ग्रीष्मकालीन तापमान पर। ग्रीष्मकाल में सूर्य कर्क रेखा के आसपास चमकता है, तो कर्क रेखा यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है, तो यहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होता है, यानी कि ग्रीष्मकाल के जो तापमान है वो शीतकालीन तापमान से अधिक रहते हैं। तापमान उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं क्योंकि उत्तरी भाग उच्च अक्षांशों में स्थित है और दक्षिण पश्चिमी भाग है वो निम्न अक्षांशों में स्थित हैं, तो उच्च अक्षांशों से जब हम निम्न अक्षांशों की ओर आते हैं तो तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आर्कटिक तटीय भागों को छोड़कर संपूर्ण महाद्वीप में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। आर्कटिक तटीय भागों को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वो उच्च अक्षांशों में है और उच्च अक्षांशों में होने के कारण वहाँ पर तापमान निम्न बना रहता है। दक्षिणी भागों की ओर आते तो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है क्योंकि दक्षिण के जो भाग हैं वो कर्क रेखा के निकट हैं, कर्क रेखा के निकट होने के कारण यहाँ तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्मकाल के सबसे अधिक जो गर्म क्षेत्र हैं वो एरिजोना तथा कोलोराडो के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ये वृष्टि छाया प्रदेशों में आते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेशों में आने के कारण यहाँ पर वर्षा भी कम होती है और ग्रीष्मकाल के सबसे गर्म स्थल माने जाते हैं एरिजोना और कोलोराडो। कैलिफोर्निया की घाटी इस महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है, पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर क्रमशः लेब्राडोर की ठंडी और कैलिफोर्निया की ठंडी धाराएं तापमान को कम कर देती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए आप ये जो क्षेत्र है जिसमें एरिजोना तथा कोलोराडो के मरुस्थलीय भाग आते हैं ये वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं क्योंकि यहाँ पर सियेरा नेवादा तथा कास्केड श्रेणी और तटीय श्रेणी के वृष्टि छाया प्रदेशों में ये भाग आता है, इस कारण से यहाँ पर वर्षा कम प्राप्त होती है और यहाँ पर तापमान भी अधिक बने रहते हैं। इसी प्रकार से इसी क्षेत्र में स्थित कैलिफोर्निया की घाटी से इस महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत विशेषता यह है कि इसके पूर्वी तट पर जहाँ पर लेब्राडोर की धारा प्रवाहित होती है तथा पश्चिमी तट पर जहाँ पर कैलिफोर्निया की धारा प्रवाहित होती है दोनों धाराओं के प्रभाव के कारण तापमान गिर जाते हैं क्योंकि दोनों ठंडी धाराएं हैं, तथा दक्षिणी भागों के जो तापमान हैं, दक्षिणी भागों के तापमान उत्तरी भागों के
तापमान की अपेक्षा अधिक रहते हैं, क्योंकि उत्तरी भाग उच्च अक्षांशों में है और दक्षिणी भाग निम्न अक्षांशों में। दक्षिणी भाग कर्क रेखा के निकट है, तो कर्क रेखा के निकट होने के कारण दक्षिणी भागों में तापमान अधिक रहते हैं, उत्तरी भागों में तापमान कम हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो सबसे गर्म स्थल है वो कैलिफोर्निया की घाटी यहाँ का माना जाता है, और दक्षिणी भागों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि संपूर्ण महाद्वीप का जो औसत तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अब हम आते हैं पवनों पर। पवनों का इस महाद्वीप की जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारकों में पवनों का काफी अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पछुआ तथा मानसूनी पवने और मानसूनी पवनों के साथ साथ यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी चलते हैं। तो ये सभी जो कारक हैं ये यहाँ की जलवायु दशाओं पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं, पर्याप्त अपना असर दिखाते हैं। वो किस प्रकार से दिखाते हैं? जो पछुआ पवने हैं, पछुआ पवने उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार से जो मानसूनी पवने हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तटों पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार से जो खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर एक विशेष प्रकार के चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, जिन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन का प्रभाव भी यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है, और पछुआ पवनों के प्रभाव में रहने के कारण ही यहाँ पर जो वर्षा है वो शीतकाल में प्राप्त होती है, ग्रीष्मकाल यहाँ पर शुष्क रहता है। तो इसी कारण से कैलिफोर्निया के तटीय भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये संपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। तो यहाँ पर पछुआ पवनों का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है कैलिफोर्निया के तटीय भागों में। ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर पछुआ पवनों का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है, जबकि जब हम पूर्व की ओर आते हैं तो यहाँ पर जो व्यापारिक पवने हैं, उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनों का प्रभाव इस संपूर्ण क्षेत्र में पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है, और उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ पर वर्षा भी प्राप्त होती है। ये देखिए, ये उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनों के फलस्वरूप यहाँ पर वर्षा भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्र, और इसका दक्षिणी पूर्वी जो भाग है यहाँ पर मानसूनी पवनों का प्रभाव भी रहता है। मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण भी यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि मानसूनी पवने जलीय भागों से आती है और जलीय भागों से आने के कारण अपने साथ आर्द्रता लाती है, जिससे इनका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। और इस खाड़ी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी चलते हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण यहाँ पर जो है काफ़ी विनाश भी होता है, वर्षा भी होती है, और इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को यहाँ पर इस क्षेत्र में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन के नाम से इन्हें यहाँ पर जानते हैं, और इन्हें जो यहाँ के विशेष जो चक्रवात हैं जो कीप आकार आकृति के होते हैं उन्हें टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो भी यहाँ पर मिसिसिपी की घाटी में काफ़ी अधिक इस प्रकार के टॉर्नेडो आते हैं, तो काफ़ी अधिक यहाँ पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। तो टॉर्नेडो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का ही एक प्रकार है। तो हरिकेन तथा जो टॉर्नेडो जो चक्रवात हैं काफ़ी अधिक यहाँ पर प्रभाव डालते हैं, उनसे भी यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो पवने हैं यहाँ पर जलवायु पर काफ़ी अधिक प्रभाव डालती हैं। कैलिफोर्निया में तो पछुआ पवनों के प्रभाव से ही भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव हुआ है, जबकि इसके दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में मानसूनी पवनों के कारण मानसूनी जलवायु का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसके बाद हम वर्षा पर आते हैं। उत्तरी अमेरिका में वर्षा पर पछुआ पवनों का, व्यापारिक पवनों का, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का तथा मानसूनी पवनों का प्रभाव पड़ता है। जब हम पिछले स्लाइड में हम देख चुके हैं कि यहाँ पर होने वाली वर्षा पर व्यापारिक पवनों, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनों, मानसूनी पवनों तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिमी तटीय भागों में वर्षा पछुआ पवनों के द्वारा होती है, जो कि वर्ष भर होती रहती है, क्योंकि वो जो हवाएं चलती है वो समुद्री भागों से आती है, पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर से नमी लेकर के आती है और तटीय भागों में वर्षा कर देती है। लेकिन ये जो वर्षा होती है ये पश्चिमी जो तट है वहाँ पर तटीय श्रेणी सीरा नेवादा कास्केड आदि है, तो उनके पश्चिमी ढालों पर ही वर्षा होती है, क्योंकि उनके पूर्वी भाग जो हैं वो वृष्टि छाया क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो इन सभी श्रेणियों के
पश्चिमी तट पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है पछुआ पवनों के द्वारा, जबकि इनके पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेशों के अंतर्गत गिने जाते हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भागों तथा पश्चिमी द्वीप समूह और झील क्षेत्र के आसपास पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, अभी स्लाइड में हमने देखा था, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा यूएस के मध्यवर्ती भाग तथा पश्चिमी द्वीप समूह में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। कैलिफोर्निया में शीतकाल में वर्षा होती है पछुआ पवनों के द्वारा, और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जिन्हें हरिकेन तथा टार्नेडो के नाम से भी जाना जाता है, उनसे भी यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। यदि वर्षा के वितरण को देखा जाए तो संपूर्ण उत्तर अमेरिका के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र यह व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में होने के कारण इन संपूर्ण क्षेत्र में लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार से इसका जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर भी पछुआ पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है, और यह भी 250 सेंटीमीटर के आसपास अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा जो संपूर्ण मध्यवर्ती मैदान है, संपूर्ण मध्यवर्ती मैदान में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। तो 200 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का जो औसत है वो मध्यवर्ती मैदान और अन्य भागों में देखने को मिलता है, इन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों को छोड़ करके। जबकि ये जो वृष्टि छाया वाले क्षेत्र हैं जिसमें ग्रेट बेसिन, कोलोरेडो, एरिजोना का मरुस्थल आदि भाग आते हैं, इन सभी भागों में वर्षा काफ़ी कम होती है, 100 सेंटीमीटर से भी वर्षा का औसत यहाँ पर कम रहता है। तो इस प्रकार से अधिक 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में पश्चिमी तट, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में मध्यवर्ती मैदानी भागों और अत्यधिक वर्षा वाले भागों को छोड़ करके शेष भागों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि न्यून वर्षा वाले भाग यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में एरिजोना, कोलोरेडो, कोलंबिया तथा पश्चिमी तटीय श्रेणी के जो वृष्टि छाया क्षेत्र हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्षा का वितरण है वो भी दक्षिण संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका में अनेक यहाँ के भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आज हमने उत्तरी अमेरिका में जलवायु दशाओं का अध्ययन किया। इन सभी विशेषताओं को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें तथा इसका एक मानचित्र भी बना लें, जिनमें यहाँ की जलवायु दशाओं को प्रभावित करने वाले कारक तथा वर्षा वितरण को प्रदर्शित किया जा सके। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें आप अपने यहाँ के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।